हमको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू sin x x राइट और वैल्यू ऑफ y एल 0 y 0 का मतलब हमको y एल का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे निकालना है ठीक है। y का मतलब y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू sin x को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमको दिया क्या है y इज इक्वल टू sin इनवर्स x इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे ये वैल्यू आ गई जिसको y से डिवाइड करते हो और ये इसकी कितनी के बराबर मिलेगा बोला y
एक बार नोट करो, जो आप फॉर्मूला लिखते हो एन सी टू का उसका क्या होता है, एन एन माइनस वन प्लस टू फैक्टोरियल ना, तो यहाँ पे एन माइनस वन होगा, इसी में थोड़ा सा गलत आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन स्क्वायर वाई एन प्लस एन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस एन वाई एन माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है माइनस का एन वाई एन, ठीक है। फिर जो होगा कैंसिल, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर वाई एन, तो माइनस का एन स्क्वायर वाई एन सभी का जीरो के बराबर है, ठीक है। तो ये मिल गया उसका एन का डिफरेंस का कोशिश, उसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फोर बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करो, नोट करो पहले इक्वेशन नंबर वन टू थ्री फोर सभी में क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है, इसको नोट करो। चलो हो गया, तो देखो पहले जब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन वर्स जीरो, साइन वर्स जीरो का वैल्यू जीरो, तो मतलब हमको क्या मिला वाई एक्स एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू जीरो के बराबर। और पहले दूसरे इक्वेशन में रखो तो यहाँ भी एक्स के जीरो रखोगे तो हमारा मान वन बचे, हमारा मान वन वन मतलब वन ही बचेगा, तो वाई वन एक्स इसके अंदर रखो एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो सिंपली के इसके अंदर मटेरियल वगैरह चला जाएगा जो वाई टू एक्स इक्वल टू जीरो और माइनस, यहाँ पर पूरा जीरो हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू जीरो मतलब ये वाई टू और एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला जीरो के बराबर, तो वाई टू और एक्स इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर। अब अपने इस चौथे इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जीरो रखो, तो देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरा जीरो बना देगा, और यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा वाई एन का स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो और माइनस का एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे इसी रिलेशन को यूज करेंगे वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कभी कभी इवन नंबर मिलेंगे कभी कभी और नंबर मिलेंगे, तो अलग अलग आपको टर्म मिलेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो तो क्या मिला हमको वाई एन का स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो कितने के बराबर, एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो के बराबर। तो बात करते हैं केस नंबर वन के बारे में, जब क्या होगा हमारे पास जन ऐसा हो इवेंट, ठीक है, करने का मतलब ये क्या होगा टू फोर सिक्स इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैंने ये जो मैंने टू यहाँ पर रखा, तो क्या मैंने कहा वाई टू प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, देखो टू प्लस टू क्या हो गया फोर, तो वाई टू एंड एक्स इक्वल टू जीरो आपको कितना मिलेगा, देखो एक बार याद रखना ये जो फॉर्मूला में यन ये सेम रहना चाहिए, यहाँ पर हमने वाई फोर टू प्लस टू एड करके लिखा है, तो क्या मिलेगा ये कितने के बराबर होगा, टू स्क्वायर वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो के बराबर, देखो यन यन यन, तो देखो यार वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है जीरो के बराबर, मतलब कितना हो गया जीरो के बराबर, वाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो हो गया। अब यन का वैल्यू क्या रखते हैं फोर, तो वाई फोर प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना होगा ये वाई सिक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो कितना मिलेंगे पहले क्या रखेंगे हम वाई सिक्स एक्स का पर यहाँ पे रखो फोर, तो फोर का स्क्वायर रखेंगे, अब क्या करेंगे वाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, वाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो उसका वैल्यू कितना आया है जीरो के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो के बराबर। अब क्या करो, क्या कर लो आप वाई का वैल्यू सिक्स रख लो, एट रख लो, टेन रख लो, सभी के लिए क्या मिलेगा आपको वाई का वैल्यू हमेशा ही जीरो मिलेगा। तो हम बोल देंगे इन जनरल, वेन इन जनरल जनरल वेन एन इज इवन, एन वेन एन इज इवन हमको वाई एन एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिलेगा जीरो के बराबर, कितना मिलेगा जीरो के बराबर, ठीक है, इसको नोट करो। चलो बात करते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में, जब हमारे पास एन जैसा हो और नहीं हो, ठीक है, केस नंबर टू वन वेन एन इज ऑड, और मतलब क्या हम एन का वैल्यू वन थ्री फाइव इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एन की जगह वन रखते हैं, तो यहाँ पे वन क्या मिलेगा आपको वाई वन प्लस टू बाई एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा वन प्लस टू मतलब थ्री बन जाएगा, तो वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो ये कितना मिलेगा एन एन एन, तो क्या मिलेगा वन का स्क्वायर वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो टू वन के बराबर, मतलब कितना मिलेगा सिंपली वन का स्क्वायर है ये, वन का स्क्वायर मतलब वन ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो थ्री रखो, तो वाई थ्री प्लस टू बाई एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या वाई फाइव बाई एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या वाई थ्री सॉरी यहाँ पे थ्री है ना, तो पहले थ्री का स्क्वायर होगा थ्री क्या वाई थ्री एक्स इक्वल टू जीरो रखा जाएगा, यानी हम तो वाई थ्री एक्स इक्वल टू जीरो बोले कितना आया वन स्क्वायर, तो कितना मतलब थ्री स्क्वायर ए टू वन स्क्वायर। अब क्या कर लो, एक बात नोट करो, बात करते हैं फाइव के बारे में, जब वाई का सॉरी
स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर। तो अब क्या कर रहे हो, इतना इतना अपने नोट करो, ठीक है, चलोगे? चलो अब क्या करते हैं, इस टर्म को बैठा देते हैं, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल रिजल्ट फाइव सॉरी थ्री का, फाइव का और सेवन का मिला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या एन क्या है, ये एन है, ये एन है, ये एन है, अब ये वाले एन भूल जाओ, ठीक है। अब हम ओरिजिनल रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये अब एन का वैल्यू थ्री है तो वाई थ्री मिला, एन का वैल्यू फाइव है तो वाई फाइव हो गया, एन का वैल्यू सेवन है तो वाई सेवन हो गया। अब ऐसे बात करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे वन स्क्वायर है, जब यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे थ्री स्क्वायर वन स्क्वायर है, सेवन है तो फाइव स्क्वायर थ्री स्क्वायर वन स्क्वायर है। तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं कि जनरल आप लिख लेना लाइन, हमको क्या मिलेगा जब यहाँ पे एन है तो पहले क्या आ रहा है, एन माइनस टू का स्क्वायर, फाइव है तो थ्री है, फाइव माइनस टू मतलब क्या थ्री स्क्वायर, सेवन है तो सेवन माइनस टू मतलब क्या फाइव स्क्वायर। तो पहले क्या मिलेगा, एन माइनस टू का स्क्वायर, फिर देखो सेवन है फाइव हो गया एन माइनस टू, थ्री कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे सेवन माइनस फोर करेंगे, हम सेवन माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या एन माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो फाइव है तो यहाँ पे क्या दो कम किया तो थ्री का स्क्वायर आया, चार कम करोगे तो फाइव माइनस फोर वन का स्क्वायर आया, तो एन माइनस फोर का स्क्वायर, ऐसे ही टर्म आगे बढ़ते जाएंगे, थ्री स्क्वायर आएगा, वन स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमको फाइनल रिजल्ट।